नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने एक नई कविता के साथ मैं रंजय कुमार, एक्टर एंड ऑथर। दोस्तों, इस कविता का शीर्षक है जाल। जी हाँ, तो देखिए पहले के लोगों ने जाल क्यों बनाया था और आज के लोगों ने जाल क्यों बनाया है, आइए सुनते हैं। जाल, जाल पूर्वजों ने बनाया था मछली पकड़ने को। जाल पूर्वजों ने बनाया था मछली पकड़ने को। आज भी लोग जाल बनाते हैं लेकिन दूसरों को फांसने को। दोस्तों, आपसे गुजारिश करता हूं कि बहुत ही गौर से सुनिएगा। जाल पूर्वजों ने बनाया था मछली पकड़ने को, आज भी लोग जाल बनाते हैं लेकिन दूसरों को फांसने को। ऐसा जाल जो दिखाई न दे ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसा जाल जो दिखाई न दे ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसा इंसान जो अपने मंसूबे को दिखने न दे ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसा जाल जो दिखाई न दे ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसा इंसान जो अपने मंसूबे को दिखने न दे ज्यादा खतरनाक होता है। कल हम ना होंगे तुम भी ना होगे। जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों, कल हम ना होंगे तुम भी ना होगे, लेकिन ये जाल होगा और इसके मंसूबे भी होंगे। मुश्किल नहीं समझना जाल और उसके मंसूबे को। मुश्किल नहीं समझना जाल और उसके मंसूबे को। गर समझ ले तू इंसान को, खुद को। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, जो सबसे आखिरी लाइन जो इसमें थी वो ये थी कि अगर समझ ले तू इंसान को, खुद को। मैं आपसे गुजारिश करता हूं दोस्तों कि दूसरों को समझने से ज्यादा फायदा खुद को समझने से होता है। अगर इंसान खुद को समझ ले तो वो हर किसी को समझ सकता है और हर किसी के मंसूबे को समझ सकता है। अगर कोई आपको धोखा देना चाहता है तो आप उस धोखे से बच सकते हैं। खुद को समझने का मतलब क्या है? खुद को समझने का मतलब है कि आप, मतलब एक इंसान, अगर खुद को अच्छे से समझ लेता है अपने हर एक इमोशन को, कि कब वो इंसान खुश होता है, मतलब आप कब आप खुश होते हैं, कब आप दुखी होते हैं, कब आप नाराज होते हैं, कब आपको बहुत अच्छा लगता है, किस किस सिचुएशन में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बारीक चीज है लेकिन पूरे जीवन में काम आने वाली चीज है दोस्तों। एक बात और याद रखने वाली चीज है दोस्तों कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबके अंदर वही इमोशन है जो हमारे अंदर और आपके अंदर है। तो अपने हर इमोशन को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको जीवन जीना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप हमेशा खुश रह पाएंगे, आप चीजों को अपने ढंग से करने में सक्षम हो पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई आपको धोखा देना चाहता है तो आप उस धोखे से बच सकेंगे जब आपको ये सारी बातें मालूम होगी। आपको अपने हर एक एक्टिविटी पर ध्यान देना होगा दोस्तों कि आप कब कब क्या क्या करते हैं। आपको अपने हर इमोशन पर ध्यान देना होगा दोस्तों, तब जाकर आप दूसरों के इमोशन पर भी आप ध्यान दे पाएंगे कि कोई इंसान आपसे क्यों बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। अगर कोई इंसान कुछ बात कर रहा हो तो बातें वो क्यों कर रहा है? क्या वो आपका गहरा दोस्त है, मतलब उसके साथ में अच्छी दोस्ती है? आपका एक अच्छा दोस्त कैसे बात करता है आपसे? एक अनजान व्यक्ति कैसे बात करता है आपसे?
कभी कभी कोई गैर इंसान ऐसा आपसे बात करेगा, इस तरह से बात करेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि पिछले जन्म का मेरा भाई है या कोई दोस्त है। जी हाँ दोस्तों, तो ज़रा उनके मंसूबे को भी आप समझें, और ये तभी समझेंगे जब आप अपने हर इमोशन को समझ पाएंगे। अपने इमोशन को समझ पाएंगे तभी तो दूसरे के इमोशन को आप समझ पाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा ना कि हर इंसान के अंदर में वही इमोशन है जो हमारे अंदर आपके अंदर है। तो अपने हर बातों को समझें और आपका जीवन सचमुच में सफल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।